कई सभी इंस्टाग्राम रील्स पे एक न्यू वीडियो काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है, उस वीडियो को आप स्क्रीन पे देख सकते हो। गाइस इस वीडियो में म्यूजिक यूज हुआ है वन वीडियो एंड सेवन कलर्स। इस म्यूजिक पे जो भी अभी इंस्टाग्राम रील्स पे अपना वीडियो एडिट करके अपलोड कर रहा है उसके वीडियो पे बहुत सारे व्यूज और लाइक्स आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप भी इस म्यूजिक पे ऐसी रील्स वीडियो कैसे एडिट कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस वन वीडियो एंड सेवन कलर वाले म्यूजिक पे हम वीडियो एडिट करने वाले हैं VN एप्लीकेशन में। तो आपको VN एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन शो हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक वीडियो का क्लिप सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सात फोटो सिलेक्ट कर लेने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक वीडियो का क्लिप सिलेक्ट कर लेता हूँ और फोटो सिलेक्ट करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने वीडियो क्लिप और फोटो सिलेक्ट कर लिया, आपको भी सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे वीडियो ऐड हो जाता है। अब गाइस अगर आपका वीडियो और फोटो 9:16 रेशियो में है तो यहाँ पे आपको उसी प्रकार से रहने देना है। अगर आपका वीडियो या फोटो 9:16 रेशियो में नहीं है तो ऊपर की तरफ आपको ओरिजिनल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रॉप होके 9:16 रेशियो में हो गया। अब गाइस यहाँ पे आपको म्यूजिक ऐड करना है वन वीडियो एंड सेवन कलर वाला। तो सिंपली आपको यहाँ पे म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे म्यूजिक पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको म्यूजिक ऐड कर लेना है। वीडियो से म्यूजिक एक्सट्रैक्ट करना है तो सिंपली आपको एडिट के सामने प्लस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक करना है और वीडियो को सिलेक्ट करके म्यूजिक एक्सट्रैक्ट करके आपको ऐड कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने म्यूजिक ऐड कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूजिक का यहाँ पे ड्यूरेशन जो है यहाँ पे 11 सेकंड का है, 10.99 यानी 11 सेकंड है और यहाँ पे हमारा वीडियो जो और फोटोज काफी ज्यादा यहाँ पे ड्यूरेशन हो जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे आपको सबसे पहले म्यूजिक को सिलेक्ट करना है और ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा बीट्स का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको म्यूजिक में सबसे पहले बीट्स ऐड कर लेने हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा प्ले का ऑप्शन, तो इस म्यूजिक को प्ले करना है और आपको यहाँ पे म्यूजिक को सुन के बीट्स ऐड कर लेना है। अब बीट्स ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे जहाँ पे भी बीट्स ऐड करना है वहाँ पे आपको कर्सर को करना है और इस रेड वाले यहाँ पे बीट्स ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे बीट्स ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे बीट्स ऐड कर लेना है। तो चलिए मैं इस म्यूजिक में बीट्स ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने म्यूजिक में बीट्स ऐड कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप किसी भी बीट्स को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको उस बीट्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको डिलीट कर देना है, तो वहां से बीट्स डिलीट हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे आपको बीट्स ऐड कर लेना है, उसके बाद टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको अपने वीडियो के ड्यूरेशन को जो फर्स्ट आपने बीट ऐड किया है म्यूजिक में उतना ही आपको वीडियो का ड्यूरेशन रखना है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट बीट पे यहाँ पे आपको कर्सर को करना है, उसके बाद आपको वीडियो को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको स्प्लिट करके इसके आपको एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देना है। अब गाइस यहाँ पे आपको इसे दो फिंगर से टैप करना है और इसे आपको थोड़ा सा जूम कर लेना है। अब यहाँ पे आपको इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो वीडियो और फोटोज के बीच में प्लस दिख रहा है इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आप जूम ट्रांजेक्शन को ऐड कर सकते हो या रोटेट ट्रांजेक्शन को। तो चलिए मैं यहाँ पे जूम ट्रांजेक्शन को ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे टिक पे क्लिक करना है। गाइस फिर आपको अगले फोटोज को सिलेक्ट करना है और इसे आपको स्क्रॉल करके दूसरे यहाँ पे बिट्स के सामने कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसे आपको थोड़ा सा इसे जूम करना है, उसके बाद प्लस का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपली आपको फिर इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपको जूम वाले ट्रांजेक्शन को एड कर लेना है, उसके बाद टिक करना है। फिर आपको यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट करना है और इसे स्क्रॉल करके आपको थर्ड बिट के सामने यहाँ पे कर देना है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपको जूम ट्रांजेक्शन को एड कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको सारे फोटोज के बीच में ट्रांजेक्शन ऐड कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फोटोज के बीच में ट्रांजेक्शन ऐड कर लिया। अब लास्ट में आपको यहाँ पे VN एप्लीकेशन का वाटरमार्क दिख जाता है, तो सिंपली आपको इसे सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको इसे डिलीट कर देना है। अब गाइस यहाँ पे आपको वीडियो क्लिप जो आपने ऐड किया है उसे आपको थोड़ा सा स्लो मोशन में एडिट करना है। तो यहाँ पे आपको वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करना है और नीचे आपको स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको कर्व वाले ऑप्शन पे क्लिक रखना है और इसे आपको यहाँ पे कर्व को एडजस्ट करके इसे आपको थोड़ा सा स्लो मोशन में एडिट कर लेना है, उसके बाद टिक पे क्लिक कर देना है। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो बीट्स ऐड किया है उससे यहाँ पे थोड़ा सा ड्यूरेशन इसका ज्यादा हो जा रहा है वीडियो का। तो सिंपली आपको फिर इस वीडियो को सिलेक्ट करना है और थोड़ा सा इसे ट्रिम कर देना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं वन वीडियो एंड सेवन कलर म्यूजिक पे हमारा यहाँ पे रील्स वीडियो एडिट हो गया।
अगर आप किसी भी फोटोज में VFX ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको उस फोटो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा VFX का ऑप्शन, इस VFX वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको बहुत सारे VFX दिख जाएंगे। तो यहाँ से आप किसी भी VFX को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब गाइस इसे आपको सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर की तरफ आपको साइड में मिल जाता है एक्सपोर्ट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्वालिटी सेलेक्ट कर लेना है कि आप अपने वीडियोज को फुल HD या 4K में एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको उस क्वालिटी में कर लेना है। उसके बाद आपको टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपका वीडियोज एक्सपोर्ट होकर आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइस VN एप्लीकेशन की मदद से 1 Video & 7 Color Music पे ऐसी रील्स वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।